नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका इस खास वीडियो में। वैसे तो आपने ऐसी कई जेलों के बारे में सुना होगा जिनका एक गहरा इतिहास रह चुका है, पर आज हम जिस जेल के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो ऐतिहासिक होने के साथ साथ हाल ही के दिनों में अपनी विचित्रता के लिए भी मशहूर है। विचित्र इसलिए यानी कि अलग इसलिए क्योंकि इस जेल में मात्र एक कैदी बंद है। जी हाँ, सही सुना आपने, सिर्फ एक कैदी। मैं बात कर रही हूं भारत के केंद्र शासित प्रदेश दीव में मौजूदा दीव फोर्ट प्रिजन की। इस जेल को एक आम जेल समझने की गलती ना करें। ये जेल किसी ऐतिहासिक किले की तरह है जो समंदर के बीच में स्थित है। चारों ओर से समंदर से घिरे होने और अपनी भव्यता के चलते ये जेल पर्यटकों के आकर्षण कला मुख्य केंद्र बनी हुई है। भारत सर्वेक्षण विभाग पिछले कई सालों से इस जेल को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की कवायद में जुटा हुआ है। साल 2013 में इस जेल को बंद करने की घोषणा भी की गई थी, मगर अब तक ऐसा कुछ हो ना पाया। तो आइए अब आपको बताते हैं कि कौन है वो इकलौता कैदी जो जेल में बंद है और उसने क्या जुर्म किया था। इस जेल में बंद कैदी का नाम दीपक कांजी है। दीपक कांजी ने साल 2017 में अपनी पत्नी की जहर देकर हत्या कर दी थी, उसे मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि दीपक भी यहाँ ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है, उसे जल्द ही किसी दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा क्योंकि इस एक कैदी के लिए सरकार को खर्च कुछ ज्यादा ही करना पड़ रहा है। इस जेल में इकलौता कैदी होने के कारण दीपक गाजी की सुरक्षा में 5 सिपाही और 1 जेलर की तैनाती की गई है। ये सभी कर्मचारी शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं। इसका मतलब ये है कि एक समय में इस जेल में 2 या 3 लोग ही रहते हैं। कुछ साल पहले तक इस जेल में कुल 7 कैदी बंद थे, जिनमें से 2 महिलाएं भी थी। इनमें से 4 कैदियों को गुजरात की अमरेली जेल में शिफ्ट कर दिया गया, जो कि 2 कैदियों की सजा पूरी हो गई। अब दीपक कांजी ही एकमात्र कैदी बचे हुए हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस किले नुमा जेल में एक लौता कैदी होने की वजह से दीपक कांजी की जिंदगी में बहुत अकेलापन होगा और वो कैसे समय बिताता होगा। तो आपको बताते चले, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि दीपक कांजी की यहाँ खूब खातिरदारी होती है। अकेला कैदी होने के चलते उसके लिए खाना पास के एक रेस्टोरेंट से मंगाया जाता है। साथ ही जेल में दीपक को दूरदर्शन और दूसरे आध्यात्मिक चैनल देखने की अनुमति भी है। साथ ही उसे गुजराती अखबार और मैगजीन्स भी दी जाती हैं। इसके अलावा शाम 4 बजे से 6 बजे तक के बीच वो 2 सिपाहियों के साथ खुली हवा में टहल सकता है, यानी कि दुनिया देख सकता है। तो देखा आपने, दुनिया में अजूबों की कमी नहीं है। खोजबीन करो तो ऐसे अजीबोगरीब किस्से सामने आ ही जाते हैं। खैर, आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही एक ऐतिहासिक मुद्दे के साथ, एक ऐसी ऐतिहासिक खबर के साथ।